दो दो लेक्चर नंबर 75 आज हमारा टॉपिक है CVP मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मल्टीपल प्रोडक्ट्स से मुराद है मोर देन वन। प्रोडक्ट्स इसी को हम बैच भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें ऑलमोस्ट वही फार्मूले हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। ऑल फार्मूलाज ऑफ CVP सिंगल प्रोडक्ट आर यूज्ड विद लिटल एडजस्टमेंट। मसलन फॉर एग्जाम्पल हमारा मेजर फार्मूला क्या था ब्रेक इवन वगैरह का, हम कहते थे ब्रेक इवन सेल्स। अब बैच की बात हो रही है, हम कहते थे ये फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय हम क्या कहते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अमूमी तौर पे हम यही करते थे ना। तो यहां पर आपकी आ जाएगी नाउ ये आपकी बैच के साथ ब्रेक इवन सेल्स। बैच में क्या बन जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। ठीक, अब एक बैच में मोर देन वन प्रोडक्ट्स के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स IE प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन बैच remains same। ठीक, यानी आप कहें कि एक बैच में से प्रोडक्ट ए के दो यूनिट्स हैं प्रोडक्ट बी के तीन यूनिट्स हैं तो ये सारी कैलकुलेशंस के लिए इसका जो आपस में प्रोपोर्शन है वो 2:3 होगा, दो उसके तीन उसके दो उसके तीन इसके। अगर हम इसकी बैच की सेल मालूम करेंगे तो हम कैसे मालूम करेंगे ए के दो यूनिट्स ले लिए बी के दो यूनिट्स ले लिए ये बैच की सेल आ गई। अगर हम बैच की वेरिएबल कॉस्ट मालूम करेंगे तो हमने ए के दो यूनिट्स ले लिए बी के तीन यूनिट्स ले लिए ये बैच की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो फिर इसी तरह कंट्रीब्यूशन मालूम करेंगे ए के दो बी के तीन तो ये बैच की कंट्रीब्यूशन आ गई। ठीक, लिहाजा ये जो प्रोपोर्शन बिटवीन द प्रोडक्ट्स है दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम, इट विल नॉट बी चेंज्ड। ये इसका एक मेजर अजम्पशन है। तो फार्मूले जहाँ जहाँ आपका मिसाल के तौर पे एक आपका फार्मूला है टारगेट सेल, तो हम क्या करते हैं हम कहते थे जनाब आपकी फिक्स कॉस्ट प्लस क्या करते थे टारगेट प्रॉफिट। टारगेट इसके नीचे हम क्या करते थे वही कंट्रीब्यूशन पर बैच। ठीक, ये बैच की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अब ले, यानी आप समझ लें जहाँ जहाँ यूनिट था ना वहाँ वहाँ बैच आ जाएगा। और बैच का क्या मतलब है, बैच का मतलब है कि एक बैच के अंदर प्रोडक्ट मिक्स कितनी है, वो जितनी मिक्स है उसके अतबार से हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसकी सेल भी उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी उसकी कंट्रीब्यूशन भी जो भी उसने कोई दिया होगा। तो ये यहाँ पर वेरी सिंपल वेरी इजी। अच्छा, बाद में मिसाल के तौर पे आपके पास ये आ जाता है से मैं ये कहाँ
कहूँ ये ब्रेक इवन सेल्स और टारगेट सेल्स, ये आपकी आ जाती है, आंसर आ जाता है सर्टेन बैचेस बैचेस। मसलन वो आपको कहता है आंसर आया जी 3 बैच, ठीक। अब वो कहता है ये आ गया ब्रेक इवन के लिए हमें 3 बैच बेचने हैं, ब्रेक इवन पे आने के लिए 3 बैच बेचने हैं। अगला सवाल वो आपसे कर लेता है, वो कहे कि ब्रेक इवन सेल और टारगेट सेल इन यूनिट्स निकालें, ये था इन बैच निकालें। फिर वो अगला सवाल ये भी पूछ लेता है कि इसका फिर यूनिट्स भी निकालें। तो आपको पता है एक बैच में से हमने भी एक मिसाल दी थी कि ए और बी का एक मिक्स है, ए के 2 बी के 3। तो अब जब हम कहेंगे ना से आपका आंसर आया फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी 5 बैचेस, ठीक। ये वाला ये 3 को, चलें इधर ही मैं कर देता हूँ, 3 को आप कहें जी 5 बैचेस आपका आंसर है। ब्रेक इवन निकालें कैसे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन बैच की हो गई, तो आपका आंसर है 5 बैचेस। अब उसमें वो कहता है टारगेट सेल इन यूनिट्स, तो आप ये आपने कहा जी 2 प्रोडक्ट्स हैं, ए है बी है, तो 5 बैच में ए के 2 यूनिट्स होते हैं, 5 बैच में बी के 3 यूनिट्स होते हैं, तो आप कहेंगे जी 10 इसके और 15 इसके, ये ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ गया, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। एक ब्रेक इवन आ गया बैचेस में और एक ब्रेक इवन आ गया या सेल आ गई, कुछ भी वो कह सकता है, वो आ गई आपकी किस में यूनिट्स में। तो एक बैच में जितने जितने आपके यूनिट्स हैं उसके साथ आपके, एक बैच में बी के 2 होते हैं तो 5 में कितने होंगे, एक बैच में सी के 3 होते हैं तो 5 में कितने होंगे, तो 10 और 15 का आंसर आ जाएगा। इस तरह की कैलकुलेशन, ये सवाल बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, लेकिन आ सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है। सिर्फ आपने जहाँ जहाँ यूनिट इस्तेमाल हो रहा है ना, जहाँ जहाँ यूनिट इस्तेमाल उधर बैच कर देना, आंसर बैचेस में आ जाएगा। तो फिर वो आगे अगर आपसे ये कहे कि बैचेस से फर्दर आप ज़रा स्प्लिट करके मैं बता दें कि इसमें जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका ब्रेक इवन कितना होगा, तो बैच के अंदर जितने जितने यूनिट जा रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सवाल इसका देखते हैं, एक ही गालिबन सवाल आया हुआ ओवर द ईयर्स। Question 22, page 501, हमने मालूम करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ W, X एंड Y टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अचीव ब्रेक इवन। अब देखें मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, एक तो ये पहले आपने जितना किया था उसमें एक एक प्रोडक्ट था, इसमें आपके प्रोडक्ट्स आ गए 3, इसका मतलब ये बैच का सवाल हो गया, मोर देन 1 प्रोडक्ट्स आ गए। तो इनके यूनिट्स कैसे बेचने हैं, पहले हम क्या करेंगे ब्रेक इवन निकालेंगे बैच में, बैच में ब्रेक इवन निकालने के बाद हम उसके फर्दर जो मिक्स की परसेंटेज है, रेशो है, उससे ज़रब दे देंगे, तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स के भी यूनिट्स आ जाएंगे। आगे वो कह रहा है कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, रुपीज़ है तो सेल यूनिट्स आ गए, यूनिट्स आ गए तो अब सेल प्राइस से ज़रब दे दें, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वाड्रा इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल्स एंड सेल्स 3 प्रोडक्ट WXY, कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट इज एज फॉलोज XYZ, डायरेक्ट मटेरियल तीनों का दिया हुआ, डायरेक्ट लेबर दी हुई है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए हैं, और टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी दे दी हुई है। टोटल कॉस्ट ये मेरे हाल में इसको आप कैलकुलेट करें तो यही टोटल कॉस्ट होगी, देखेंगे ज़रा कितनी है, किसी एक की कैलकुलेट कर लें। आखिरी वाले कहना 1700, 2048, 3008, बिल्कुल ठीक है, ये सही है, ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट उसने ऊपर जो आपको ब्रेकअप दिया ना उसी का टोटल कर दिया हुआ है। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल्स, फिक्स्ड ओवरहेड यानी रेट जो निकाला गया है वो नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल्स हैं 15,000, 45,000 एंड 60,000 यूनिट्स पर एनम।
अगर आप इसकी प्रोपोर्शन देखें तो आपको यहाँ से प्रोपोर्शन भी मिल जाएगी, 15, 45, 60 को प्रोपोर्शन बन रही है आपस में, 1, 3 एंड टोटल नहीं, मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, आपस में इनकी निस्बत क्या है, 1, 3, 4 यानी 15 उसके, 45 उसके, 60 इसको सिंपलीफाई अगर हम कर लें तो सिंपलीफाई 1, 3, 4 है। यूनिट्स पर एनम फॉर डब्ल्यू एक्स वाई रिस्पेक्टिवली, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड टू बी 71,274,000। ये फिक्स सेलिंग है जो कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अलावा है, टोटल में जब हम निकालेंगे तो ये दोनों ऊपर वाली भी और ये भी ऐड करेंगे। आगे हो गया, मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट द रेशियो ऑफ सेल्स क्वांटिटी डब्ल्यू एक्स वाई शैल बी 1, 3, 4, वो हमने पहले ही एंड सेलिंग प्राइसेस पर यूनिट शैल बी 12,800, 6,000, 3,600 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो पहले क्या मालूम करना है, डब्ल्यू एक्स वाई के यूनिट्स फार्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच, वो आ जाएंगे बैचेस, फिर बैचेस के अंदर जितने जितने आपकी प्रोपोर्शन यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के ऊपर आप उसको मतलब एलोकेट कर दें। ठीक, टोटल बैच की सेल आ गई और एक बैच में एक यूनिट उसका, 3 यूनिट उसके, यानी बैच को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, एक बैच में एक है तो फिर वो ए मल्टीप्लाई बाय 1 है, उसके 3 है तो मल्टीप्लाई 3 है, 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 है, ये उनके यूनिट्स आ जाएंगे। फिर उसने कहा सेल प्राइस, तो सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है आपको, नहीं दी हुई सेल प्राइस आखिर में दी हुई है, 12,800, 6,000, 3,600 ये प्राइस भी दी, यूनिट्स आ गए, प्राइस आ गई, तो कीजिए ज़रा, ईजी आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। और ये एक ही आया, एक और भी है, कौन सा नंबर, अच्छा केपी के सवाल बात है, सियासी जैसे सवाल लग रहे हैं। चलो पहले ये करें आप ये करें सवाल छोड़ें, हाँ जी यूनिट्स तो इन तीनों के लादे निकले हैं। सही, पहले बैचेस निकाल लेना, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय बैच, कंट्रीब्यूशन पर बैच, ये बैचेस आ गए, फिर बैचेस के आगे यूनिट्स बना लें।
आंसर नहीं, प्लीज़ देखना अपने तौर पे जो समझ आता है करें, फिर हम करेंगे। ऑनलाइन कर देंगे यार, हम घर बैठ के दे देना। नहीं कंप्लीट ऑफ तो नहीं है, छुट्टी तो हमारी 9 से है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब ये बैच चैप्टर ख़त्म हो गया, अब एक आधे दिन के लिए मैं नया चैप्टर टच करूँ वो फिर दोबारा से करना पड़ना है। हाँ जी हो गया। आधा हो गया, बाकी भी करो।
हो गया, गुड हो गया जी। यस अच्छा जी, आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22, क्या क्या हमें मालूम करना है? हमने नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करने हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स। ब्रेक इवन यूनिट्स किस किस के हैं? W, X एंड Y। इसकी प्राइस भी देनी है, प्राइस भी देनी है ना? हाँ हाँ वही ना, ब्रेक इवन रुपीज भी बताने हैं, रुपीज भी बनाने, W, X, Y। अच्छा जी, वर्किंग में आ जाएं तो पहले हमने कहा ये बैच है, तो पहले हम वर्किंग्स टू क्वेश्चन नंबर 22, वर्किंग वन, फिक्स कॉस्ट फार्मूला क्या है जी? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट की जगह पे आ जाएगा बैच, यही है ना? तो ये आपके आ जाएंगे बैचेस, फिर उसके बाद निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है? आपने कर ली होगी टोटल, एक्स वाई जेड की दी हुई है, पर यूनिट दी हुई है, आगे उसके यूनिट्स भी दिए हुए हैं, निकालें। कितनी निकाली आपने फिक्स कॉस्ट, कितनी निकाल ली? ऑब्वियसली प्रोडक्शन के ऊपर आएगी जी। एक्स की कितनी है? एक्स की टोटल प्रोडक्शन है 15,000 और प्राइस है 1172, तो कितनी आ गई? 580 प्लस ये W की आ गई। एक्स की कितनी? 580 वाई की, डब्ल्यू एक्स वाई, वाई की कितनी? 5760। हाँ अच्छा जी, कितनी आ गई टोटल? डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितनी है? चलो इधर ही आ जाते, फिक्स कॉस्ट में आएंगे डेफिनेटली। हाँ जी हैं, कितने हैं वो भी हैं? कितने हैं? 712 70400, 0.4 कर लें, चलिए बिल्कुल ठीक है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। कंट्रीब्यूशन पर बैच, सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, सेल W, X, Y, टोटल, टोटल की खैर चले अभी जरूरत नहीं है। कितनी है सेल्स की? रुपीस कितनी? 1,200, 600, 1,000, 3,600। अच्छा जी, इनकी वेरिएबल कॉस्ट भी है, कितनी है जनाब? 10240, 40, ये पर यूनिट ही दे रहे हैं ना? आगे 2048
कंट्रीब्यूशन 2560 1920 1552। ये आ गए कंट्रीब्यूशन बैच की, मतलब बैच में शामिल यूनिट्स की। तो बैच की कितनी होगी प्रोपोर्शन इनकी, क्या रेशो, रेशो क्या है 1-3-4। कंट्रीब्यूशन इन बैच 2560 5760 6208। टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई 1-4-5-2-8। ठीक, ये आ गया आपकी कंट्रीब्यूशन 1-4-5-2-8। कितना आ गया जी ब्रेक इवन इन बैच, ब्रेक इवन पर बैच, ब्रेक इवन यूनिट, सॉरी बैचेस ही हैं, पर बैच नहीं बैचेस, ब्रेक इवन बैचेस कितने आ गए 1-4-0, ये बैचेस आ गए। ठीक, अब यूनिट्स इसकी प्रोपोर्शन W के ऊपर 1-4-0-7-6 बैचेज हैं, तो कितना एक है इसमें, W वुड बी इक्वल टू 1-4-0-7-6 और X 1-4-0-7-6 मल्टीप्लाई बाय 3-4-2-2-8 और 1-4-0-7-6 मल्टीप्लाई बाय 4-5-6-2-6-8। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर ये ब्रेक इवन बैचेस है ना, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक इवन सेल इन बैचेस ये भी अगर मालूम करना चाहूँ कर सकता हूँ, बैच की सेल प्राइस, बैच की सेल प्राइस कह दीजिए। हाँ जी, किधर 5-6-3-0-4 कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पे ये बैचेस आ गए ना ब्रेक इवन के बैच, अगर मैं बैच की सेल प्राइस के साथ इसको ज़रब दे दूँ तो ये ब्रेक इवन टोटल आ जाएगा। बैच की सेल प्राइस कितनी है, बैच की सेल प्राइस, बैच सेल प्राइस, इसमें W X Y, W की सेल प्राइस है 12800, एक ही यूनिट है 12800, बैच में एक ही यूनिट है ना। X की प्राइस है 6000 लेकिन बैच में इसके तीन यूनिट्स है 18000। Y की प्राइस है 3600 और बैच में इसके चार यूनिट्स हैं, कितने हो गए ये 12800 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 6000 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 3600 ज़रब 4, 18000 टोटल। ये कितना है 3600, अच्छा हाँ 45200 टोटल कितनी आ गई। अच्छा टोटल सी वाई की कितनी बताई है 12 और 6 चौके 14400, कितना आपने बताया 45200। तो अगर हम यहाँ से बैच के रुपीज़ मालूम करना चाहें, बैच के रुपीज़ मालूम है, हम कहेंगे जी 14076 14076 मल्टीप्लाई बाय 45200 इज़ इक्वल टू ये बैच की ब्रेक इवन सेल 6-3-6-2-3-5-2-3-5-2-0-0। ठीक है ना, ये बैच की ब्रेक इवन के रुपीस, पहले ऊपर आ गए बैचेस कितने हैं, फिर वो रुपीस में क्या सेल है, तो आपने एक बैच की सेल प्राइस निकाल ली, एक बैच में जितने यूनिट्स हैं उसके हिसाब से उसकी सेल प्राइस बन गई, वो आ गई 45200, उसको ज़रा दे तो पूरी बैच की बन गई। अच्छा, अब इसके अगर हमने रुपीस मालूम करने हों अलग अलग से, तो आप ये कहेंगे जी 14076 मल्टीप्लाई बाय 1
इसकी प्राइस क्या थी, इसकी प्राइस क्या थी W की? 1280. इसकी कितनी थी? ये 42,228 यूनिट्स, और इसकी प्राइस थी 6,000, और ये यूनिट्स थे 56,304, और इसकी प्राइस क्या थी? 3600. तो ये टोटल आपका यही आ जाएगा 63,623,500. ये कितना आया? 180172. ये रुपीज थाउजेंड में है, क्यों थाउजेंड में? और ये कितना है? 5,25,330. और ये 2,0,2,6,9,4. चलें, यही आ रहा टोटल, यही आना चाहिए, बस इतना सा फर्क है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. किया आप लोगों ने भी. अच्छा, दूसरा सवाल आपने कौन सा बताया? ट्वेल्व जी निकालने का क्वेश्चन नंबर 12. आपने खुद ही कर तो लिया था, मैंने बाद में कराया. अच्छा चलो, टू फाइव थ्री थ्री सिक्स एट ये लीजिए. बैच में मुश्किल सवाल नहीं बनाता, बैच में सवाल आसान ही बनाता है. चलो देखते हैं, इसको भी देखते हैं. दो प्रोडक्ट्स हैं, रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड में ठीक है, ये 20-50 का ही है. हो गया, कर लिया नोट? कर चन.
आपने कर लिया नोट? نہیں جی یہ کوسچن 12 سوری. کمپیوٹ بریک ایون سیل ان پیکٹس اینڈ روپیز. یہی چیز یونٹس اینڈ روپیز اس میں بھی مانگا ہوا ہے. Assuming that ratio of quantity sold would be as per projections. Ratio جو دی ہوگی وہی projections والی ہوگی. اچھا کے پی کے ڈیریز لمیٹڈ از پلاننگ ٹو انٹروڈیوس 3 انرجی فلیورڈ ملک فرام 1 July 2015. ان دس ریسپیکٹ فالوئنگ پروجیکشنز ہیو بین میڈ. پلانڈ پروڈکشن نمبر آف پیکٹس 540, 275, 185. یہ آخر میں کیا اس نے کہا ہوا تھا؟ اسیومنگ دیٹ ریکوائرمنٹ میں اسیومنگ دیٹ ریشیو آف کوانٹٹی سولڈ وڈ بی ایز پروجیکشن. ریشیو آف کوانٹٹی سولڈ, ریشیو پروڈکشن نہیں سیم رکھنی, ریشیو آف کوانٹٹی سولڈ. سیلز ہیں آپ کی 425, 255, 170. اس کی ریشیو نکالیے ذرا, ٹوٹل نکال لیں. ٹوٹل کے بعد ہر ایک کی ریشیو نکال لیں. ٹوٹل کتنا ہے؟ 425, 625, 680 and 750. 850 کی ریشیو نکالیں. سی پلس نکلے گا غالباً 0.5. نکالیں کتنی؟ 0.3 نہیں یار, 850 0.5 نہیں ہے, 425. ٹھیک ہے, سی کا 0.5, آئی کا 0.3 اور وی کا 0.2. آگے اس نے کہا پروڈکشن کاسٹ پر پیکٹ, ڈائریکٹ مٹیریل, لیبر, ویریبل اوور ہیڈ, فکس اوور ہیڈس کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ ٹوٹل ذرا کریں گے 115, لیکن یہ ویریبل کاسٹ, فکس کاسٹ بھی آ گئی. فکس کاسٹ لینے کا ہمیں ضرورت نہیں ہے نا, کیونکہ اس طرح کے سوالوں میں کنٹریبیوشن چاہیے ہوتی ہے, اور کنٹریبیوشن میں ہمیں ویریبل کاسٹ چاہیے, فکس نہیں چاہیے. آگے چلیں ذرا. سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کاسٹ پر پیکٹ, ویریبل 12, 8, 10, فکسڈ 5, 5, 5. اب ویریبل کاسٹ نکال, کیونکہ یہ بریک ایون کے سوال ہے نا, بریک ایون کے سوال کنٹریبیوشن چاہیے. ویریبل ٹوٹل کاسٹ نکال لیں. سی پلس کی ہو گئی 115, 138 and plus 12, 150 ہو گئی ٹوٹل ویریبل کاسٹ. سی پلس کی 150, 138. لکھ لیں ساتھ ساتھ, لکھ لیں 130, 135. چیک کر لو بھائی, 109 اور 16, 125, 135 اور 10, 145. ہاں جی, نہ نہ 20 نہیں ڈالنا, سوری. ہاں ٹھیک ہے, 100 ٹھیک ہے. اچھا ٹوٹل کاسٹ بھی اس نے دے دی. کے ڈی ایل sell its products through a distributor at a commission of 5%. ٹھیک, and expect to earn a contribution margin of 40% net sales. Net sales, net sale mean 95 کا 40%.
सेल माइनस देखो ना दैट इज आगे बता रहा है दैट इज सेल्स माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन सेल्स आपकी अगर 100 सपोज करें 5 उसमें से माइनस कर दें तो ये 95 का 40% है। अच्छा अब ये भी ज़रा क्योंकि हमें इन सवालों में ना कंट्रीब्यूशन मेनली कैलकुलेट करनी होती है तो कंट्रीब्यूशन जो होती है ना वो आपकी होती है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आप मुझे ज़रा बता सकते हैं बाय द वे कि अगर 100 माइनस 5 यानी 95 का जो 40% होगा वो 100 का कितने परसेंट होगा? अब 95 का 40% निकालिए 95 का कितना कितना 38 95 का 38 40% और वेरिएबल कॉस्ट 52 हो गई ना 57 चलें ये वर्किंग करते हैं। अच्छा अब इस सवाल में हमने मालूम क्या करना है ब्रेक इवन सेल इन पैकेट्स वही तरीका पहले आप क्या करेंगे बैच की मालूम कर लेंगे फिर उसके अंदर जो उसके प्रोपोर्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पैकेट्स आ जाएंगे फिर प्राइस के साथ ज़रा दे दें तो वो आंसर आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय दी कंट्रीब्यूशन पर बैच फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए फिक्स कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर लें चलिए टोटल सारी सारी मिला के नहीं तीनों की दो तरह की है ना फिक्स कॉस्ट अच्छा एक मिनट फिक्स कॉस्ट में कमीशन वगैरह तो नहीं है देखते हैं देखते हैं। करें आप पहले अपने तौर पे जरा करें तरीका वही फिक्स कॉस्ट अपने निकाल लें फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी एक टिप मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ यहाँ पर उसने सेल प्राइस नहीं बताई हुई सेल प्राइस नहीं बताई हुई आपके पास है कंट्रीब्यूशन वो परसेंटेज में है हमें कोई ना कोई एक फिगर चाहिए एब्सोल्यूट टर्म्स में फिगर आपकी है वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है ना कंट्रीब्यूशन उसने कहा है कि 95 का 40% है 95 का 40% है तो बाकी ये 95 का 40% बना कितना है इन एक्चुअल वर्ड्स 38 तो जो 95 का 40% है वो इसका 38 बना तो 100 का कितना बन गया हाँ 40% है मेरे जीजो 95 का क्या कह रहा है वो फिर पढ़ो वो ये कह रहा है कि एल सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन 5% ऑफ सेल प्राइस एंड एक्सपेक्ट टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन 40 ऑफ नेट सेल नेट सेल कितनी है 100 है नेट सेल 100 है बता रहा है सेल माइनस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नेट सेल 95 है। अच्छा एक और चीज़ ज़रा यहाँ से देखो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई 60 ठीक तो ये 95 का ही 60 हुई ना 97 का ही 50 हुई ना तो 97 का 50 बनती है 60% बनती है 95 का 60% बनती है 57 ये 100 का 57 हुई जो 95 का 60% है ना 100 का वो 57% है 95 का 60% कितना निकला
बस 57 ही 100 का यार, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है? 95 का, एक्चुअली 100 माइनस 5 का है, 100 माइनस 5 का बनती है वो 57, 95 का 60% बनी ना, 95 का 60% 57 और साथ उसकी आपकी वो बन गई कंट्रीब्यूशन, आपकी बन गई 42। इट मींस ये जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी आपने निकाली है? 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158. इसको आप ग्रॉस अप करो 57 के ऊपर, टोटल करके। हाँ जी, सेवन फोर्टी टू ये सेल प्राइस बन गई। इसमें से जरा कमीशन माइनस करो, इसमें इसमें से कंट्रीब्यूशन निकाल, छोड़ो कमीशन माइनस ना करो, सेल आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन भी आ गई, सवाल अलग है, फिक्स कॉस्ट भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक। डिवाइड करें, बैच निकाल लें, बैच निकालने के बाद जो उसकी रेशियो है उससे ज़रब दे के यूनिट्स निकाल लें और रुपीज़ निकाल लें, करें। मैंने ट्रिक की पॉइंट सारा बता दिया। तुम अपना करो ना यार, अब तुम नजायज़ फ़ायदा तो जाना उठाओ, तो उसने क्या करना है, आप करो।
اچھا جی میں کرتا ہوں، ایک سوال میں نے اور بھی کرنا، اس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگنا ہے، تو شروع کرتے ہیں ساتھ ساتھ. آنسر ٹو کوشچن نمبر 12، معلوم کرنا ہے بریک ایون سیل ان پیکٹس اینڈ روپیز. بریک ایون سیلز ان پیکٹس اینڈ روپیز. Assuming that ratio of quantity sold would be as per projections. Workings میں آ جائیں. سب سے پہلے کیا نکالیں گے ہم؟ فارمولا تو معلوم ہے نا، فکس کاسٹ. جی بھائی، فکس کاسٹ اس کی سی پلس کی کر لیں، آئی پلس اینڈ وی پلس. کتنی ہے؟ 25 کٹھی لے لیں. چلو 25 پلس 5، چلو ٹھیک ہے 30 لے لیں. 25 پلس 5 30 ملٹیپلائڈ وتھ، پر یونٹ ہے نا یہ، فکس کاسٹ تو ٹوٹل لینی ہے نا میرے عزیزو. ہاں جی، کتنے یونٹس ہیں؟ 425,000. ہاں ہاں، یہ آپ اکٹھی نہیں کر سکتے بھائی، کیونکہ ایک آپ کی پروڈکشن کے اوپر ہے اور ایک سیلز کے اوپر ہے، اکٹھا نہیں کر سکتے. 25 ملٹیپلائڈ وتھ کتنی ہے پروڈکشن؟ 540,000. کتنا آ گیا؟ 1,000 rupees. 13,500. آئی پلس میں کتنی ہے؟ 22. پروڈکشن 275. کتنی ہوگی؟ 6,050. وی پلس کتنی ہے؟ پروڈکشن 185. اس کو بھی 1,000 نکال. جی 3700. کتنی ہو گئی؟ 23,250. ایک یہ ہو گئی. اب یہ فکس کاسٹ پہلے آپ نے لی پروڈکشن، اب آپ لیں فکس کاسٹ سیلز. لیکن سیلنگ کاسٹ ہوتی سیل پہ ہے، اس کو ہم پروڈکشن پہ تو نہیں سپوز کر سکتے. ٹوٹل یونٹس سیل کے، اس سے کیا کریں؟ ساری 5 ہی ہے نا، ہاں کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹوٹل یونٹس کتنے ہیں؟ سی پلس پلس آئی پلس پلس وی پلس. چلو کتنے؟ 5. اس سب کا ریٹ ہے کتنے آئے ہیں؟ 850. بالکل ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے؟ 4,250. ٹوٹل فکس کاسٹ کتنے ہو گئے؟ وہ پیچھے دی نہیں ہوئی سیلز دی ہوئی ہے، جہاں سے آپ نے پرسنٹیج نکالی تھی کتنی ہو گئی ہے؟
27,5,000, ठीक, ये आपकी हो गई फिक्स कॉस्ट। अच्छा जी, अब इसको डिवाइड किस पे करना होता है? कंट्रीब्यूशन पे। मैं इधर कर लेता हूँ, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बैच की निकालनी है ना। बैच का मतलब है आपने सी प्लस आई प्लस वी प्लस, सबसे पहले सेल प्राइस, सेल्स मालूम नहीं है फिलहाल, वेरिएबल कॉस्ट हमारे सामने है कितनी, 138 थी और टोटल 150 का हो रहा है यार, टोटल आ गई 150, ठीक, 135, इसके नीचे आएगी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब हमें ये पता है कि वो जो आपकी कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है उसने कहा है इट इज़ 40% ऑफ नेट सेल्स, नेट सेल्स मीन 100 माइनस 5 पर 95 हो गई ना, 95, 100 माइनस 5 तो कितनी आ गई है, 38। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट की हम परसेंटेज निकालें तो इट इज़ 60/100 ऑफ 57%, ठीक है, 57%। अब हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर है वेरिएबल कॉस्ट, इसको ग्रॉस अप कर लें, लेकिन 57 263, और थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे कमीशन भी है ना, वेरिएबल कॉस्ट 263, इसका कमीशन कितना, 5% है, 12.1 कितना 13.1 भाई, यार तेरी उस्ताद कैलकुलेशन ना अक्सर गड़बड़ हो जाती है, चेक करो, 13.15, इसका कितना बनी ये सेल प्राइस, 138/0.7, 242 कमीशन, इसकी सेल प्राइस कितनी बनी, 237 कमीशन, 12। यार उस्ताद तू गड़बड़ कर देता है, मुझे डर है तू फिगरों में मार खा जाएगा, अल्लाह बिल्कुल ना करे, लेकिन आप भी तो सही करो। अब निकाल लो यहाँ से कंट्रीब्यूशन, हंड्रेड इसकी आ गई, नेट सेल्स को भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नेट सेल्स को भी निकाल सकती है, नेट सेल भी निकल सकती है, इस तरह करें, प्रॉपर सेल प्राइस तो उसकी 263 है ना, हाँ कितना आ गया, चल इधर तेरी हम मान लेते हैं 92, इधर 90.1, इधर इधर भी तेरी मान लेंगे 90। अच्छा जी, अब इसमें बैच की कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, प्रोपोर्शन से,
रेशो रेशो है 0.5 0.3 0.2 ये कितना आ गया 50 ये आ गया 27.6 ये आ गया 18 टोटल 135.6 ओ खुदा है बंदा तू ही गड़बड़ की थी जा सतहत्तर अठारह पचानवे छियानवे आएगी 18 सी की 50 95.6 लो जी ब्रेक इवन सेल इन पैकेट्स अब हमने निकालनी है ये बैच की कितनी हो गई फिक्स कॉस्ट है आपकी फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच फिक्स कॉस्ट कितनी 27,500 डिवाइडेड बाय 95.6 क्या आंसर आ गया जी 0.6 रुपीज 1000 में लिए हुए थे ना हमने 287,656 ये आ गए क्या बैचेस ये आ गए बैचेस अच्छा जी अब आप करेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ पैकेट्स आपके ये ब्रेक इवन बैच का आ गया अब प्रोडक्ट्स के कर लें प्रोडक्ट्स आपकी कौन कौन सी हैं सी प्लस आई प्लस वी प्लस चलो जी क्या करें इसको मल्टीप्लाई करें ना अब ये परसेंटेज में है ना मल्टीप्लाई करते थे ना 287,656 मल्टीप्लाई बाय 0.5 287,656 मल्टीप्लाई बाय 0.3 287,656 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ये कितने आ गए 143,828 ये 86297 कर लो 57531 ये आ गए पैकेट्स ये आ गए क्या पैकेट्स सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो सेल प्राइस आ जाएगी ठीक सेल प्राइस खुद ही कैलकुलेट कर लें ओके हो गया सवाल अच्छा ये सवाल ना वैसे ही मुझे लग रहा है कि बैच को आए हुए ज़रा देर हो गई है और इस दफ़ा उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव सवाल में ये बैच का सवाल डाला है और अच्छा सवाल है अच्छा सवाल है बैच के सवाल ना इतने को मुश्किल नहीं आते ये भी कोई इतना मुश्किल तो नहीं था आसान ही था पहले वाला भी आसान ही था कम आया लेकिन ये अगर आया तो फिर इस दफ़ा इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव सवाल में एक सवाल डाला इसका पेज 485 चलो पहले नोट कर लो ये फिर करते हैं नोट कर ले पहले ये
ڈسکاؤنٹ کیسے نکالا ہے؟ سیل کا 5% ہے ڈسکاؤنٹ، سیل پرائس آ گئی اس کا کمیشن ہی، ڈسکاؤنٹ کمیشن ہی ہے نا، تسی سرکار کمیشن لو، تسی انو بالکل فالو نہ کرنا کمیشن، اچھا اس کا گراف آپ لوگوں نے دیکھا ہے بک میں دیا ہوا ہے، آپ نے تو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھ تو لیا تھا کم سے کم، بندہ کہے چلو سر جی اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کو سالو نہیں کیا، دیکھا ضرور ہے، دیکھا بھی نہیں تو یہ تو عجیب ہی بات ہے، دیکھ لیا گڈ، بس اتنا سا ٹائم لگنا تھا، یہ تو بندہ پیجز کو اسکرول کرتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے یار، ایڈے تو نہ تسی ان مائنڈیڈ ہو جاؤ، سارے دیکھ لیں زیارت کر لیں ذرا ساتھ ساتھ، تاکہ اگلی دفعہ یہ سوال ہو تو آپ نے سر دیکھا ہے، کون سے پیج ہے 480 پہ، یہ دیکھ لیں سمپل سا گراف ہے، مشکل نہیں ہے، ایک ہی گراف کے ڈفرینٹ، ایک دیکھیں ٹوٹل سیلز کا آپ کی لائن جا رہی ہے، وہ زیرو سے شروع ہو رہی ہے اور اپورڈ جا رہی ہے، مین چیز یہ کہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ زیرو سے شروع ہوگی، سیل زیرو سے شروع ہوگی اور ٹوٹل کاسٹ کی لائن آپ کی فکس کاسٹ سے اوپر، یعنی ٹوٹل کاسٹ تو فکس کاسٹ زیرو پہ بھی ہوگی نا، وہ دیکھ رہے ہیں فکس کاسٹ کہاں سے شروع ہو رہی ہے، جو اس نے فکس کاسٹ لکھا ہوا ہے لیفٹ والی لائن پہ، ہاں فکس کاسٹ سے وہاں ٹوٹل کاسٹ آپ کی جا رہی ہے، تو جہاں پر یہ ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں وہ کون سا بریک ایون ہے، اس سے اوپر سارا پروفٹ ہے، اور نیچے اگر آپ سیل والیوم لیں گے تو پروفٹ جو سیل آپ کو دے رہی ہے اس کو ہم کہیں گے ٹوٹل سیلز، اور ٹوٹل سیلز اور بجٹڈ سیل میں جو فرق ہے وہ کیا ہے، سیفٹی مارجن، ٹھیک، اور بریک ایون سیل سے نیچے جتنا بھی ہے وہ سب لاس ہے، سمپل سا گراف ہے، میں نے کہا چلو یہ بھی ایک گراف سا میں بنا دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں یہ گراف ہوتا ہے، ایک ٹوٹل سیلز کی لائن، کنٹریبیوشن کیا ہوتی ہے سیلز مائنس ویریبل کاسٹ، اور بریک ایون کیا ہوتا ہے وہ سیل کا پوائنٹ جہاں پہ فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کو وہ کور کر لے، یہ ٹوٹل سیلز ہے، یہاں سے فکس کاسٹ شروع ہو رہی ہے، فکس کاسٹ تو زیرو پہ بھی آنی ہے نا، فکس کاسٹ ہے تو یہاں سے آپ کا، تھوڑا سا نیچے کر لوں ذرا لائن کھینچنے میں آسان ہو جائے گی، سے یہ فکس کاسٹ ہے، تو یہاں سے آپ کی بس لینڈ پٹ سی دیے، یہ بریک ایون ہے، بریک ایون سیلز، ٹھیک، اس سے اوپر جتنا جاتے چلے جائیں گے سیل میں، سیل میں سے اگر آپ سیل کا یہ والا لیں تو یہ سیفٹی مارجن، ٹوٹل سیل یہ ہے سے، اگر ٹوٹل سیل یہ ہے تو یہ والا مارجن کیا ہے، یہ سیفٹی مارجن سیل ہے، یہ نیچے سارا لاس ہے، یہ اوپر سارا پروفٹ ہے، اور ویریبل کاسٹ کا کالم یہاں سے شروع ہوگا، یہ ایک گراف، کیا کہہ رہے ہو، آ جاؤ جی آ جاؤ کیمرہ، آہو یار ڈرا کرتے ہوئے آگے نہیں ہونا چاہیے، چلیں جی، یہ آپ پیج کون سا بتایا تھا، 480 پیج کے اوپر یہ گراف دیا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا، اچھا اب میں ذرا سوال پہ آؤں، سوال ہے آپ کا،
पेज 485 पे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2। अगर बैच में से सवाल आया इस दफ़ा तो हो सकता है कि ये वाला सवाल आए, थोड़ा सा ज़्यादा जो पहले पेपर्स में आए हुए ना उनसे थोड़ा सा टेक्निकल है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रोजेक्टेड कितना है फॉर द ईयर 14 एंड द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एडवर्टाइजिंग से क्या इम्पैक्ट आया, तो मेनली तो ये सवाल इस तरीके से होगा कि आपने जो प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिया है वो फिर कुछ एडवर्टीजमेंट ली होगी, उसकी वजह से कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, चेंज आई हो जी। सेल प्राइस तो 263 हुई ना, नेट सेल प्राइस हो रहा है, सेल प्राइस हो रहा है। कर लो नोट कर लो पहले। अच्छा जी, कंप्यूट द प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर 2014 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लें एंड इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और प्रॉफिट पे एडवर्टाइजिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, जनरल आपसे पूछ रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग होती है तो मूमी तौर पे इम्पैक्ट क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, सेल बढ़ जाती है। सेल में वो कौन सी चीज़ बढ़ती है जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट इंक्रीज होता है। प्रॉफिट ऑलरेडी है ना, अब जितनी सेल हो रही है उसकी जो आपकी इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आ रही है वो सारी की सारी प्रॉफिट में इंक्रीज कर रही है ना, ठीक। कि अगर आप पहले से ही प्रॉफिट में हैं इसका मतलब है कि इतने यूनिट्स आपके बिक रहे हैं कि आप फिक्स कॉस्ट कवर कर चुके हैं, तभी तो प्रॉफिट में गए ना। अब वो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट की है तो उससे आपकी सेल बढ़ी होगी, सेल बड़ी होगी तो उन यूनिट्स ने अपनी पहले वेरिएबल कॉस्ट मीट की होगी, फिर जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो सारी कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट ही को बढ़ाएगी। लिहाजा अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं एडवर्टीजमेंट के बाद की सेल की कंट्रीब्यूशन ले लूँ तो वो एक्चुअली प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं ये बात करूँ कि आपकी जितनी सेल एडवर्टीजमेंट की वजह से हुई है उस एडवर्टीजमेंट की सेल की जो कंट्रीब्यूशन है ना वो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कर रही है। समझ में आई बात, कि जो उसने पूछा ना इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रॉफिट, क्या इम्पैक्ट आएगा एडवर्टाइजिंग का प्रॉफिट पे, तो हम कहेंगे जो एडवर्टाइजिंग की वजह से सेल बढ़ी होगी ना उसकी कंट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट आएगा। Am I right? बोलो, ठीक है। बस हमें चूंकि सवाल सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है, उससे एक अपने जहन में अप्रोच बनानी है, उस अप्रोच से फिर आप सवाल पढ़ेंगे, साथ साथ सवाल हल होता जाएगा। ABC लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ परफ्यूम्स। कंपनी हैज़ 3 ब्रांड्स टू कैटर फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कस्टमर्स। सेलिंग प्राइसेस एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स फॉर द ईयर 13, टाइमलाइन बड़ी हम होती है, ये है फॉर द ईयर 13 की सेलिंग प्राइसेस एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स फॉर द ईयर 13। और आपको क्या बताना है नीचे रिक्वायरमेंट में, कंप्यूट प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर 14। ऊपर 13 है, नीचे आपने 14 का डेटा दे। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 13 15,600। ये कौन सी है, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स से मुराद है ABC तीनों की। एंड सेल वॉल्यूम फॉर द रेशियो ऑफ ABC वाज 2:3:5। अगर मैं यहाँ से 2013 की ABC की सेल ढूंढना चाहूँ कैसे निकल सकती है, 15,600 टोटल बन रहा है, 2:3:5 का 10,
15,600 मिलियन आपकी सेल है, उसको 10 पे डिवाइड कर दें तो एक आ जाएगी, फिर 2, 3, 5 से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी 13 की सेल आ जाएगी। ठीक है, आगे चलें। फॉलोइंग एस्टिमेट्स पर्टेन टू द ईयर एंडिंग 31 December 2014। एवरेज सेल प्राइसेस एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 14% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। ऊपर जो आपको सेल प्राइसेस दी हुई हैं, 14 में ये सेल प्राइसेस नहीं होंगी। कैसे बढ़ेंगी? सेल बढ़ जाएगी 14 से, पर यूनिट ही सेल प्राइस दी हुई है ना, और वेरिएबल आपकी बढ़ जाएगी 8 से। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे? यहाँ से सेल में से कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस कर दें तो वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब अगर हमने 14 की लेनी हो कंट्रीब्यूशन, तो हम सेल प्राइस लेंगे 14% इंक्रीज करके, और इसमें से पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे 13 की वेरिएबल कॉस्ट निकाल के उसको 8% इंक्रीज कर देंगे। ऐसे ही है ना, फिर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगी? 14 की कंट्रीब्यूशन नहीं, वेरिएबल कॉस्ट आपने 8%, पहले वेरिएबल कॉस्ट आपने 13 की मालूम कर ली, जैसे ए की 5,000 है, बी की 5,000 है, सी की 3,000 है, इसमें आपने 8% इंक्रीज कर दिया तो वो 14 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई, फिर 14 की कंट्रीब्यूशन आ गई। आगे वो कह रहे हैं नॉर्मल मार्केट ग्रोथ इज़ एस्टिमेटेड 5%। नॉर्मली आपका इंक्रीज होता तो 5% होता। जी हाँ जी, अच्छा। हाउएवर द कंपनी प्लान्स टू लॉन्च एन अग्रेसिव मार्केट कैंपेन फॉर विच एडिशनल एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ 250 मिलियन हैज बीन अप्रूव्ड। ये फिक्स कॉस्ट भी आ गई, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से इम्पैक्ट भी आएगा कुछ। 250 मिलियन तो वैसे हम कहें फिक्स कॉस्ट, विद इंक्रीज्ड एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम फॉर ए बी सी हैज़ बीन फोरकास्टेड 15, 20, 12 and 10 अलग-अलग, हर एक की अलग-अलग। अच्छा, अब उसने कंप्यूट द प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर 14। कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो आपका आसानी से आ गया था ऊपर, लेकिन एक चीज़ अब आपको उसमें करनी पड़ेगी, वो ये कि अब आपने ग्रोथ नहीं उसमें ली थी, अब आप पहले यूनिट्स भी निकालेंगे, ज़रा ज़हन में रखिएगा। ये 15,600 मिलियन टोटल सेल्स है, टोटल हम इसकी बैच प्राइस पर यूनिट निकालेंगे, पर बैच निकालेंगे, बैच की सेल प्राइस निकालेंगे। जैसे सेल प्राइस है ना ए बी सी की 10, 8 and 5, ये पर यूनिट है, इसको इसकी प्रोपोर्शन से ज़रब दें 2, 3, 5, यानी ए की हो जाएगी 20, बी की हो जाएगी 24 और सी की हो जाएगी 55, हाँ 25, ये टोटल आप इसको कर लें तो ये आ जाएगी बैच की सेल प्राइस। ये बैच की सेल प्राइस आ गई ना, अब बैच की सेल प्राइस को 15.6 पे डिवाइड कर दें, वो आ जाएंगे बैच के अंदर यूनिट्स। बात समझ आ रही है? 15.6 मिलियन ये क्या है? ये है उसकी रुपीज में सेल। इसको अगर हम डिवाइड कर दें, ये पूरी बैच की है ना, इसको अगर हम बैच की सेल प्राइस पे डिवाइड कर दें तो बैच के टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। ए बी सी की रेशो में ले जाए, वो इनका वॉल्यूम आ गया, फिर उस वॉल्यूम को इनकी जो उसमें फिर ग्रोथ भी करनी है, उसमें फिर ग्रोथ भी करनी है, दो ग्रोथ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सवाल सिर्फ ये ग्रोथ की वजह से थोड़ा सा बेहतर मुझे लग रहा है। इसमें अब दो ग्रोथ करनी है, एक ग्रोथ करनी है 5%, उसके ऊपर सारा हल कर देना आपने सॉल्व, कंट्रीब्यूशन उस पर निकाल लेनी है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आ गई ना आपकी,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए कंट्रीब्यूशन सेल उसकी सेल प्राइस जितनी भी आपकी है और उसमें आपने इजाफा करना है 14% और 8% का। फिर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, पर यूनिट सेल प्राइस उसमें 8% का इजाफा, तो सेल में 14% का इजाफा, वेरिएबल कॉस्ट में 8% का इजाफा, तो ये आ गई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए ग्रोथ का मैंने कहा था वॉल्यूम का इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, चाहे आपकी ग्रोथ 100% हो जाए, 200% हो जाए, 400% हो जाए, हर लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम आनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई, अब ये कंट्रीब्यूशन आपने मालूम करनी है। उसने कहा नॉर्मल ग्रोथ है 5%, नॉर्मल ग्रोथ है 5%, तो एक आपने वो जो आपकी क्वांटिटी ऊपर आपने मालूम की ना 15,600 को टोटल सेल प्राइस पे डिवाइड करके बैच, फिर उसके बाद आपने एबीसी की क्वांटिटी निकाल ली, एबीसी की क्वांटिटी को एक दफ़ा आपने 5% ग्रोथ पे लेके जाना है और एक दफ़ा आपने 15, 12 और 10 की ग्रोथ पे लेके जाना है। ये पॉइंट नोट कर लें, किसमें वो अब इनको माइनस डेफिनेटली शामिल है ना भाई। असल में मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ कि एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। एडवर्टीजमेंट ना करते ग्रोथ थी 5%, हर एक के ऊपर ना, ए बी सी तीनों पे ही, तीनों पे टोटल पे आई, बैच पे आई तो इस पे भी आ गई ना, तीनों की क्वांटिटी आपने ऊपर निकाल ली है। अब तीनों की क्वांटिटी पे एक 5% ग्रोथ ने, ठीक, फिर उसको उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो ऊपर निकाली है नई वाली 14 की उससे ज़रब दे दें, ये कंट्रीब्यूशन इन रुपीस आ जाएगी 5% ग्रोथ के साथ। फिर दूसरा काम करें, क्वांटिटी जो आपने निकाली है पहले 5% ग्रोथ उस पर की थी, अब आप उसको 1.14 से ज़रब दे दें, यानी मुख्तलिफ 15%, 12% और 10%, ए पे 15, बी पे 12, सी पे 10, अब ये वाली ग्रोथ आ गई। अब इस ग्रोथ को वो जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने मालूम की है उससे ज़रब दे दें, एक 5% ग्रोथ क्वांटिटी आपने ऊपर निकाल ली। मैं फिर आपको क्वांटिटी भी निकाल चुके हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल चुके हो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाल ली, 14% सेल प्राइस बढ़ाई, वेरिएबल कॉस्ट 8% बढ़ाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट साइड पे रख दो। अब आपने देखना है कि 5% ग्रोथ करते तो कितने यूनिट्स होते, तो उससे पहले आपने यूनिट्स मालूम करने हैं। 15,600 टोटल है, इसको टोटल बैच की सेल प्राइस पे डिवाइड करें तो ये बैच के यूनिट्स आ गए, उससे एबीसी के यूनिट आ गए, प्रोपोर्शन दी हुई है। सर ग्रोथ का इंपैक्ट कंट्रीब्यूशन फाइंड करने से पहले अप्लाई, एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम कर ली ना, अब आपने ना ग्रोथ का इंपैक्ट मालूम करना है। इंपैक्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट ना करते तो 5% ग्रोथ, एडवर्टीजमेंट की तो 15, 10, 12 ग्रोथ, तो एक 5% की ग्रोथ लें, ठीक, और एक ये 15-10, इनका बेशक ये फ़र्क निकाल लें कि ये फ़र्क है, उसके ऊपर आप कंट्रीब्यूशन अप्लाई कर दें, इम्पैक्ट आ जाएगा। या ये कर लें, ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, कि 5% की ग्रोथ की उस पर कंट्रीब्यूशन लगाई तो ये नॉर्मल ग्रोथ के साथ कंट्रीब्यूशन आ गई, फिर आपने 15, 12, 13 जितनी भी है उसको आपने ग्रो किया, उस पर कंट्रीब्यूशन लगाई तो फिर ये एडवर्टीजमेंट के इम्पैक्ट वाली सिचुएशन आ गई। तो इससे बेहतर ये है कि आप 5% कर लें, फिर 15, 12, 10 कर लें, फिर इसका जो डिफरेंस आए उस डिफरेंस के ऊपर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अप्लाई कर दें, ये इम्पैक्ट आ जाएगा। फॉलो हो गया सवाल? तो पहले कंट्रीब्यूशन निकालनी 14 की, वो कैसे निकलेगी, वो कैसे, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 14%, फिर वेरिएबल कॉस्ट जो ज़रा आपने पहले निकालनी है क्योंकि उसने 13 की सेल दी हुई है, कंट्रीब्यूशन दी है, यहाँ से 13 की वेरिएबल निकालना है, फिर जो 13 की वेरिएबल आए उसको आप 8% के ऊपर रेट उसका बढ़ा दें, ये 14 की आ जाएगी। तो सेल भी 14 की आ गई, 14 की वेरिएबल भी आ गई, तो उसका मतलब 14 की कंट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। अब आपने इम्पैक्ट देखना है,
अब आपने कहा कि जी अगर हम 5% ग्रो करें तो क्वांटिटी इतनी, और उससे पहले आप यूनिट्स की क्वांटिटी निकाल चुके हैं। कैसे निकाली? 15.6 ये आपकी है, क्या है, सेल, ठीक है, इसको रेशो पे आप ले गए, बैच की सेल प्राइस पे डिवाइड करके जो आया उसको रेशो पे ले गए। उसके बाद आपने इसको अब करना है 5% ग्रोथ पे और 15, 12 और 10% ग्रोथ पे, जो फ़र्क आए उसको आपने कंट्रीब्यूशन से ज़रूर दे देनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा एक और बात थोड़ा सा भी यहाँ पे, ये आ गई कंट्रीब्यूशन, उसने बात की है प्रॉफिट की, उसने बात की है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में से फिर वो जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आई है ना वो माइनस कर दो। ये प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पूछा ना, ये आपकी इन दोनों 5% ग्रोथ और 15, 12, 10 की ग्रोथ, ये आपकी आ गई इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। ये क्या आ गई? इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन में से वो जो इंक्रीमेंटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है ना वो माइनस कर दें, ये इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट आ जाएगा। 5% ग्रोथ आनी, ये तो नॉर्मल थी ना, आनी थी ना, भी एडवर्टीजमेंट करते हाँ जी, पहले करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम, हाँ जी, फिर आप 15, 12, 10 को कर लें। फिर ये ना कीजिएगा कि 5 में से 15, 10, 12 ऐसे नहीं करना, प्रॉब्लम हो सकती है। 5 लैदा लैदा फिर 15, 10, 12 लैदा लैदा फिर जो डिफरेंस है उसको उसकी कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें, जो ऊपर कैलकुलेट हो चुकी है। वो जो टोटल कंट्रीब्यूशन आपकी आए इंक्रीमेंटल आएगी, ये आएगी इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। उस इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन में से आप ये एडवर्टीजमेंट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट माइनस कर दें तो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट। सोल्यूशन भी साथ मौजूद है ना, सोल्यूशन से भी देख लीजिएगा, आइडिया तो हो गया ना पूरा। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कहीं जिसका चांस कम है कि अगर इसके ऊपर बैच का सवाल आ गया CVP में बैच का, तो ये ज़रा थोड़ा सा हट के है, इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज़ हो रही है, थोड़ा सा हट के है, कर लेंगे आप, डिस्कस हो गया सारे। तो अब छुट्टियाँ, कल टेस्ट अपलोड कर दें इनका, दस के तेना ना शामिल कर, CVP पूरा ही सवाल कर, CVP में सवाल आएंगे। मैं सिलेबस में पूछ रहा हूँ, कल के सिलेबस में रखने CVP जी सर, बस आगे जो मर्जी हम टेस्ट करें। तो पढ़ा है तो अब जाके करोगे भी तो सही, ये अब छुट्टियों के बाद करोगे, आज का काम आज पे करो। बैच तो आसान है, इसमें कोई इतना मसला ही नहीं। ऑनलाइन कहते तो आ जाओ, इधर आके टेस्ट दे दो, हम तो आएंगे ही। फिजिकल ऑनलाइन दोनों, ठीक है जी, जो इधर आके देना चाहे वो इधर दे दे, ऑनलाइन देना चाहे वो ऑनलाइन। ये वाली क्लास नहीं होगी, बाकी क्लासेस तो हैं। छुट्टी खत्म हो रही है 13 को ना, 14 को इंशाल्लाह।